हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द आवर चैनल RDS ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने आपको चैप्टर 4 के हार्ड वर्ड्स बताए थे। आज की वीडियो में उसके आगे का आपको वर्क बताएंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे आपको कि आपके हार्ड वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में आपको वर्ड मीनिंग लिखना है, यानी शब्दार्थ लिखना है। तो शब्दार्थ किस तरह से लिखना है, आइए देखते हैं। तो शब्दार्थ लिखने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आज की डेट डालनी है। आज की डेट कितनी है, 20/8/20। और पेज नंबर डालना है। पेज नंबर डालने के बाद में आपको सेंटर पे हेडिंग डालना है, शब्दार्थ यानी शब्द और उनके अर्थ। नाउ लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली, बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखेंगे, कोई भी पुअर राइटिंग का यूज़ नहीं करेगा। तो देखिए, आपका फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है, धौंस जमाना। धौंस जमाना, अर्थ क्या होगा, भय दिखाना यानी डर दिखाना, भय दिखाना। नेक्स्ट चरखी, एक फिरकी, एक फिरकी। नेक्स्ट अकड़, गुस्सा कौमा घमंड दिखाना, गुस्सा कौमा घमंड दिखाना। चंदा, चंदा अर्थात चंद्रमा। बाबा, पापा के पापा। शोर करना, शोर करना। जोरों से चिल्लाना, जोरों से चिल्लाना। गॉट एवरीवन, सभी को पेंसिल से ही लिखना है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। नाउ वंस अगेन एवरीवन, लिसन टू मी एवरीवन, शब्दार्थ सेंटर पे हेडिंग डालनी है आपको। आपका फर्स्ट वर्ड मीनिंग है धौंस जमाना, भय दिखाना, चरखी एक फिरकी, अकड़ अकड़ गुस्सा कौमा घमंड दिखाना, चंदा चंद्रमा, बाबा पापा के पापा, शोर करना जोरों से चिल्लाना, जोरों से चिल्लाना। सो लिसन टू मी एवरीवन, ये आपके क्या हो गए, वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ हो गए हैं। अब इसके बाद में हम आपको क्या बताएंगे, आपको इसके बाद में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन आंसर किस तरह से करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर किस तरह से करने हैं, देखिए जब आपको वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में सेम उसी प्रोसेस में आप सेंटर पर हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रश्न उत्तर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चा चाँद बनकर किस पर अकड़ दिखाएगा, बच्चा चाँद बनकर किस पर अकड़ दिखाएगा। आंसर देखिए, बच्चा चाँद बनकर तारों पर अकड़ दिखाएगा, बच्चा चाँद बनकर तारों पर अकड़ दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे गीत बच्चा कैसे गाएगा, मीठे गीत बच्चा कैसे गाएगा। आंसर लिखिए, कोयल बनकर बच्चा मीठे गीत गाएगा, कोयल बनकर बच्चा मीठे गीत गाएगा। नाउ वंस अगेन एवरीवन, फिर से देखिए एक बार किस तरह से आपको लिखना है, सेंटर पे हेडिंग डालनी है क्वेश्चन आंसर, फिर आपको क्वेश्चन लिखना है, बच्चा चाँद बनकर किस पर अकड़ दिखाएगा, बच्चा चाँद बनकर किस पर अकड़ दिखाएगा। आंसर है, बच्चा चाँद बनकर तारों पर अकड़ दिखाएगा, बच्चा चाँद बनकर तारों पर अकड़ दिखाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे गीत बच्चा कैसे गाएगा, मीठे गीत बच्चा कैसे गाएगा। आंसर देखिए, कोयल बनकर बच्चा मीठे गीत गाएगा, कोयल बनकर बच्चा मीठे गीत गाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वर्ड मीनिंग और दो क्वेश्चन आंसर। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो लिसन टू मी एवरीवन, आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।